अब बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको बेटा रेगुलर हेक्सागोन दिया है, सम षट्भुज दे रखा है। क्या होता है हेक्सागोन? जिसकी बेटा सिक्स साइड हो वो हेक्सागोन होता है। और रेगुलर हेक्सागोन क्या हुआ? जिसकी छह साइड हो लेकिन सभी क्या हो? बराबर हो। अब बेटा हिंदी में समझते हैं, सम षट्भुज जिसकी छह भुजाएं हो और वह क्या हो? समान हो। तो सम मतलब समान, षट मतलब छह, भुज मतलब भुजा। सम षट्भुज समान छह भुजा रखने वाला बहुभुज, जिसे बेटा सम षट्भुज रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। तो बेटा मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आपको बेटा ये प्रूफ करना है। अब बेटा हम इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन से ही क्या करोगे आप? डायरेक्शन बनाओगे, दिशा बनाओगे। देखिए क्या लिखा है बेटा, ए बी मतलब ए से बी की और डायरेक्शन, ए सी ए से सी की और डायरेक्शन, इससे इसको मिलाओ डायरेक्शन बना दो। ए डी ए से डी की और डायरेक्शन, ए से डी को मिला दो डायरेक्शन बना दो। ए से ई की और डायरेक्शन, ए वेक्टर है तो बेटा ए से ई की और डायरेक्शन, इससे इसको मिला दो और ये डायरेक्शन बना दो। ए से एफ की और डायरेक्शन, हमने सभी डायरेक्शन बना दी। अब बेटा इसे हम प्रूफ करेंगे। आप ध्यान दो, हमें बेटा इसका सम क्या चाहिए? योग चाहिए बेटा थ्राइस ए डी वेक्टर। हमारा पूरा सम क्या बनेगा? थ्राइस ए डी वेक्टर। यहां से हमें थोड़ी ट्रिक मिल गई, हमें ए डी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ए डी वेक्टर। अब समझना बेटा, ए डी वेक्टर है कहाँ? ए डी वेक्टर बेटा ये है ए डी वेक्टर। बेटा ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है? यदि आप इधर देखते हो तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा हुआ? ए डी सी। नाम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी में। मुझे ए डी वेक्टर चाहिए। यदि डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, बात समझ में नहीं आती, तो बेटा ध्यान दो, यहाँ ए और डी लिखा है तो बेटा ए और डी लिखा, लिख लिया। अब क्या करेंगे आप ध्यान दो, ट्राइंगल में ए और डी को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा? सी बचा। तो बेटा इस सी को यहाँ बीच में लिखो, वेक्टर लगाओ, प्लस लगाओ, ए डी वेक्टर आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन वन बोलिए। अब बेटा आप ध्यान दो, हमें ए डी वेक्टर फिर से चाहिए। तो बेटा ये वाले ट्राइंगल में ए डी वेक्टर बन जाएगा। कैसे? ये देखिए, ए डी ये वाला ट्राइंगल भी बना रहा है, तो ट्राइंगल का नाम कौन सा हुआ? ए ई डी। लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, हमें बेटा ए डी वेक्टर चाहिए, तो ए और डी लिखा, ठीक है। डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ए और डी को लिखो, ये लिखा। अब बेटा इस ट्राइंगल में ए और डी को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा? ई बचा। ये पॉइंट जो बचा इसे बेटा बीच में लिखो, वेक्टर लगाओ, प्लस लगाओ, हमें ए बी वेक्टर मिल गया। अब बेटा हमें सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते, इधर जोड़ोगे तो ए बी वेक्टर में ए बी वेक्टर जुड़ गया, कितना हुआ? ट्वाइस ए बी वेक्टर। इधर जोड़ दो, ये ए सी वेक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, ठीक है। लेकिन बेटा हमें ट्वाइस ए डी वैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? थ्राइस ए डी वैक्टर, एक ए डी वैक्टर और चाहिए। दोनों तरफ बेटा ए डी वैक्टर जोड़ देते हैं, यहां जोड़ा यहां भी जोड़ दो, ए डी वैक्टर जुड़ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया थ्राइस ए डी वेक्टर। अब ध्यान दो, हमें क्या क्या चाहिए? हमें बेटा ए सी चाहिए, आ रहा है। हमें बेटा ए डी चाहिए, वो भी आ रहा है।
हमें बेटा यही चाहिए, वह भी आ रहा है। अब बेटा क्या नहीं चाहिए उसकी बात करते हैं। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो बेटा आप ध्यान दो, ये आपका एबी वेक्टर, एसी वेक्टर, ये बेटा एबी वेक्टर। अब बेटा सीडी वेक्टर देखो, ये बेटा आपका सीडी वेक्टर, डायरेक्शन भी बना लो सी से डी की तरफ, ये आपका सीडी वेक्टर। इस सीडी वेक्टर को आप बेटा एई वेक्टर लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपस में साइडें क्या है, बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, ये भी इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा। इसका मतलब सीडी वेक्टर को आप एएफ वेक्टर लिख सकते हो। तो बेटा इस सीडी वेक्टर को मैंने लिखा एएफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ आप रीजन बता देना, सीडी वेक्टर इक्वल टू एएफ वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा हेक्सागोन है और इसकी सभी साइडें इक्वल है, इससे लिखा है, ठीक है। अब इसकी बारी खत्म। अब ईडी वेक्टर भी नहीं चाहिए, तो ईडी वेक्टर को देख लो, ईडी वेक्टर ई से डी की ओर डायरेक्शन, ये है ना, ये किसके इक्वल लिख सकते हो आप, ए बी वेक्टर के। तो लिख देते हैं ए बी वेक्टर के इक्वल, यहाँ लिख दो ईडी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर। ये दोनों कैसे इक्वल, क्योंकि ये क्या है, हेक्सागोन है, इसकी सभी साइडें इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, इसका मतलब बेटा इसे ये लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दो, आपको बेटा थ्राइस ए बी वेक्टर चाहिए था, आ गया, ए बी वेक्टर चाहिए, ये रहा, ए सी वेक्टर चाहिए, ये रहा, ए डी वेक्टर चाहिए, ये रहा, ए ई वेक्टर चाहिए, ये रहा, और ए एफ वेक्टर चाहिए, ये रहा। इस तरह से बेटा हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब बच्चों यही क्वेश्चन है और बेटा इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, आपको ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी पूरा कंप्लीट इसी तरह से करना है, लेकिन आगे भी कुछ कहा है तो हम आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है, पिछले क्वेश्चन में बेटा आपने ये प्रूफ करा, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन जो हम अब सॉल्व करेंगे ये, तो बेटा पिछले क्वेश्चन जितना आपको कंप्लीट सॉल्व करना होगा यहाँ तक पहुंचना होगा। फिर बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है ये जो हेक्सागोन है, ये बेटा जो षटभुज है, इसका सेंट्रोइड क्या है बच्चों, ओ है, तो इसका सेंट्रोइड ओ कर दिया। यदि बेटा इस हेक्सागोन का सेंट्रोइड ओ है तो बेटा हम कह सकते हैं ये एबी का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। इसलिए बेटा हम लिख सकते हैं एडी वेक्टर ट्वाइस एओ वेक्टर, ठीक है। यहाँ रख दीजिए वैल्यू, यहाँ बेटा एडी वेक्टर की जगह लिखा, ये कितना होगा 6। ध्यान दीजिए आपको यही लाना था,